वेलकम बैक टू दिस क्लास स्टूडेंट्स आई होप ऑल आर वेल सो हमने अब तक किया था बेटा किंग मिदास जो ठीक है उसने जिता दिया और उसको एक शॉप मिल गया अपोलो से क्या मिला कि तेरे भी सिर पे क्या होंगे दो डंकी ईयर्स हो जाएंगे यस yes? अब आगे क्या होता है डंकी ईयर आ गए उसके द नेक्स्ट मोमेंट किंग मिदास felt इज ईयर क्वीवर्ड मीन्स क्या होता है शेक हिला के देखे उसने अपने काने से हिज ईयर स्प्रिंग आउट एंड आउट एंड टर्न इन टू लार्ज फरी ईयर्स ऑफ अ डंकी ठीक है तो उसको कैसा फील हुआ जैसे उसके बड़े बड़े ढंकी वाले ईयर्स आ गए द किंग वॉज हॉरीफाइड अब जो किंग है वो डर सा गया यार ये क्या हो गया शोक्ड हो गया एकदम से मेरे कान इतने बड़े कैसे हो गए हाउ कैन आई अपीयर बिफोर माई पीपल विद दीज बिग डी ईयर्स अब मैं जो मेरी पीपल्स है क्योंकि वो राजा था तो प्रजा के सामने कैसे दिखाई गए कि मेरे बड़े गधे वाले कान हैं वट वुड द किंग्स ऑफ अदर लैंड्स से वैन दे सी माई ईयर्स ही वेल्ड वो सोचता है कि जो दूसरे राजा हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो बहुत तेज चिल्लाने लग जाता है रोने लग जाता है दास हिज़ ईयर एंड रेन बैक इनसाइड द पैलेस अब वो अपने कानों को ऐसे पकड़ता है छुपाता है और पैलेस की तरफ महल की तरफ भागता है फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड ही वेंट अबाउट वियरिंग हीज हैड्स हैवी हेलमेट्स एंड बल्कि स्का्फ्स बल्कि होते बेटा भारी, भारी भारी बड़े बड़े ठीक है अब उसने क्या करा अपने सर को छुपाना स्टार्ट कर दिया बहुत हैवी भारी भारी चीज़ें पहनना शुरू कर दिया

रिमूव दिस हैड गियर एंड द बारबर लर्न द सीक्रेट ऑफ किंग्स लॉन्ग अब क्या हुआ बेटा जो बारबर था शाही रॉयल बारबर पहले ना राजा महाराजा के टाइम पे उनके अलग अलग पर्सनल होते थे बारबर भी बार बार होते बाल काटने वाले है ना तो अलग पर्सनल ही होते थे तो उसने देखा क्या देखा अब उसने जो उसके हेड पे लगा हुआ था उसको हटाया एंड द बारबर लर्न द सीक्रेट ऑफ द किंग्स लॉन्ग ईयर्स अब उसको तो भाई राज पता चल गया बहुत बड़ा उसको राज पता चल गया कि उसकी लंबे लंबे कान है प्रोमिस यू विल नेवर टेल एनवन अबाउट माई ईयर्स सेट मिदास अब मिदास कहते हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे और आई शैल हैव यू बी हैडेड वरना मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा ऐसे होता था वरना मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो अब आगे क्या होता है द रॉयल बारबर कैप हीज़ वर्ल्ड फॉर अ वाइल बट इट वॉज़ टू बिग अ सीक्रेट फॉर हिम टू कीप फॉर अ लॉन्ग अब रोयल बार्बर था उसने जो था ये सीक्रेट रखा पर ज़्यादा दिन तक ये सीक्रेट नहीं रख सकता था वो भी क्योंकि पेट में कोई बात नहीं बचती इट वॉज़ ड्राइविंग हिम क्रेजी मतलब वो ना पागल सोरत किसको बताऊँगी कैसे हो सकता है तो उसको ना बहुत ज़्यादा मन में इच्छा हो रही थी जैसे आपको कोई सीक्रेट पता चलता है तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बताते हैं तो उसको भी ऐसा हो गया ही वॉज़ क्रेविंग टू टेल समवन उसको ना बहुत ज़्यादा तड़प सी हो गई इस चीज़ की कि मैं किसको बताऊँ मुझे किसी ना किसी को तो बताना है ही जस्ट हैड टू however ही हैड promised हिज किंग नॉट टू टेल एनी मोर तो जबकि उसने promise किया हुआ था किंग से कि वो किसी को भी नहीं बताएगा ओके आई होप यू आर enjoying दिस लेक्चर इन नेक्स्ट आई विल टेल द कंक्लूजन ओके बाय बाय टेक केयर